हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे और जो हमारा चैप्टर है वो वन है विद्युत आवेश, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। और उससे पहले एक और वीडियो में हम विद्युत आवेश के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, अगर उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसको भी देखिएगा। तो आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, या फिर बोलें एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन है Q = 1 कूलाम। क्यू बराबर कितना है, 1 कूलाम है। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें नंबर निकालने हैं। क्या निकालना है, नंबर निकालने हैं। तो आइए नंबर को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो Q = फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा Q = क्या होता है, Ne होता है। क्या होता है, Q = Ne होता है। तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, Q की वैल्यू रख दो 1 कूलाम, ये कितना है 1 है, और अपॉन में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर ऊपर भी कूलाम है और ये भी कूलाम है, तो कूलाम से तो कूलाम कैंसिल हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखो ध्यान से। देखो N = 1/1.6 × 10⁻¹⁹ सबसे पहले पॉइंट हटाया और जीरो को लगाया, और ये जो 10⁻¹⁹ है इसे ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया 10 × 10⁻¹⁹ और अपॉन में 16। अब हमें 16 का भाग 10 में देना है, तो उससे अच्छा है कि इसको बड़ा कर लो 16 से। तो देखो ये 10 है, छोटा है, पॉइंट लेना पड़ेगा, उससे बढ़िया इसको बड़ा कर लो। बड़ा कैसे करें, इस 19 में से एक जीरो ले लो, 10⁻¹⁹ है ना, मतलब 10⁻¹⁹ कितनी है 19, तो उसमें से एक जीरो लोगे तो ये 18 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया 10⁻¹⁹, यानी कि ये तो हो गया 100, और ये हो गया 10⁻¹⁹ और बटे में हो गया 16। अब हमें सिंपली क्या करना है, 16 का भाग देना है। तो आइए 16 का भाग दे देते हैं, तो 16 का भाग दे देंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा 16 × 96, ये बचा 4, पॉइंट लगाया 0, 16 × 2 = 32, 8, पॉइंट लग रहा है 0, 16 × 5 = 80, कितना आ गया 6.25 आ गया। तो देखो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हो गए नंबरों की संख्या, ठीक है, हो गया न्यूमेरिकल। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर। तो देखो एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर, तो एक अनंत रेखीय आवेश यानी कि रेखीय आवेश यानी कि एक तार पर आवेश है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत बोल रखी है, ठीक है। तो उसके बोला है कि 2 मीटर की दूरी पर, इससे 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि हमें आर दे रखा है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर बराबर दे रखा है 2 मीटर दूरी पर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर मीटर 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई, यानी कि 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये जो तार है ना ये कर रहा है। अब देखो ध्यान से कि रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा होता है, तो हमें लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, आपने ये वाला डेरिवेशन करा होगा, ये बेलन वाला डेरिवेशन करा होगा आपने, है ना, कराए कि नहीं कराए, ये बेलन वाला डेरिवेशन आपने करा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था ई बराबर ये होता है 1/4π ε₀ 2λ/r, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको क्या निकालना है, सिंपली आपके पास ई है, आपके पास आर है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको लैम्डा निकालना है। तो क्या आपके पास कुछ रह गया, आपके पास रह गया 1/4π ε₀, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है। तो पहले हम वैल्यूज़ को रख देते हैं, ई की जगह पर रख दिया 4.5 × 10⁴ बराबर, इसकी जगह पर रख दिया 9 × 10⁹ इंटू में 2, और देखो लैम्डा और अपॉन में आर की जगह पर रख दिया 2 मीटर, रख दिया कि नहीं रख दिया, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस और देखो इसको भेज दिया डिवाइड में, ये कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। तो ये हो गया 4.5 × 10⁴ अपॉन
9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और बराबर में लैम्डा। देखो पॉइंट से ये नीचे क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये 9 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 5 बार, तो 9 पंजे 45 हो गया। तो देखो ये तो हो गया 5 गुणा, देखो 10 टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर 1 कितना हो गया, 10 टू दी पावर 10, और ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 4 और माइनस का 10 बराबर लैम्डा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा में देखो 10 में से 4 गए, माइनस का 6, तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा आपका। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण, इसका द्रव्यमान कितना है एम है और क्यू आवेश है एक कण का, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विराम अवस्था से चलकर, विराम अवस्था यानी कि यू क्या है उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू जीरो है, विराम अवस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, ये डिस्टेंस हो गई। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग वी बराबर दिस होगा अंडर रूट में ये, और ये 2023 में भी आ चुका है, तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने बोला है कि एम द्रव्यमान का कोई कण है, कितने द्रव्यमान का, एम द्रव्यमान का, और बोला है उसने क्या बोला है कि उसका आवेश कितना है क्यू है। ठीक है, और फिर उसने बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विराम अवस्था से जाता है, कितने से, विराम अवस्था से, यानी कि यू बराबर कितना दे रखा है जीरो, और डी दूरी तय करता है, कितनी दूरी, डी दूरी तय करता है, और आपको सिद्ध करना है कि जो उसका अर्जित वेग है वो वी बराबर है अंडर रूट में 2qED और अपॉन में m। ये क्वेश्चन है जो कि 2023 में आ चुका है और इसको बच्चे नहीं करके आए होंगे और ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंसर, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में हम अगर बल देखें, बल की वैल्यू क्या होती है, बल बराबर क्या होता है q इंटू ई होता है, क्या होता है q इंटू ई होता है। अब हम त्वरण बराबर देखें तो त्वरण बराबर क्या होता है, देखो आप जानते हो f बराबर क्या होता है एम ए होता है, क्या होता है एम ए, तो ए बराबर क्या होगा यहाँ पे F अपॉन में M हो जाएगा। अब अगर F की वैल्यू रखूँ तो क्या हो जाएगा QE अपॉन में M हो जाएगा। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए था इनके बीच में, तो देखो QE अपॉन में M, हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं गति के तृतीय समीकरण को, किसको देखेंगे, गति के तृतीय समीकरण को, क्योंकि उसमें ये सब आ जाएगा, D यानी कि दूरी भी उसी में आ जाएगी, विस्थापन उसी में आ जाएगा। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये तो आपने सबने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर वी स्क्वायर को देखें तो वी स्क्वायर रहेगा बराबर, यू कितना है हमारा जीरो है, यू कितना था हमारा जीरो, विराम अवस्था चला था तो यू कितना जीरो, प्लस अब टू ए की जगह पर ये पूरा आ जाएगा क्यू ई और अपॉन में एम, और एस की जगह पर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, तो हमारा फाइनल वी स्क्वायर बराबर हो गया 2qED और अपॉन में एम। अब देखो स्क्वायर है, अंडर रूट ले लो तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इस पर आ जाएगा अंडर रूट 2qED और अपॉन में एम, और आई थिंक हमें यही तो प्रूफ करना था अंडर रूट में 2qED अपॉन में m, तो ये हो गया प्रूफ। देखा आपने कितना इजी था, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 ग्राम है, तो आपको एक द्रव्यमान दे रखा है m जो कि ग्राम में है। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, इस न्यूमेरिकल को हम जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। m बराबर हमें दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 और ग्राम, ये बूंद के बारे में बात हो रही है, तथा जिस पर आवेश कितना है इतना है, तो इस आवेश को लिख लेते हैं, आवेश क्या होता है q, q बराबर दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 कूलम। ठीक है, इसको लिख लिया, उसके बाद उसने बोला है दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है, तो दो क्षैतिज प्लेटें हैं और आवेशित हैं वो है ना, उन पर चार्ज है, के बीच संतुलन अवस्था में लटकी हुई है, प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि आपको स्मॉल r या d दे रखी है, तो स्मॉल d दे दी आपको जो कि है 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम लिख देते हैं पहले, चलो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसने बोला है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करो, हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले वीडियो को पॉज करना और उसको देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ए है। अब देखो सबसे पहले दिया है, अब देखो एम, एम बराबर देखो ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करते हैं 10 टू दी पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर ये माइनस का 10 है, इसमें माइनस 3 और ऐड कर देंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा और किलोग्राम में आ जाएगा। देखो क्यू तो सही है, अब डी को देखो, डी कितना है 1 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 10 टू दी पावर माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, इतना हो गया। आगे समझ में मेरी बात, अब आप देखो ध्यान से कि हम देखें कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में अगर हम देखें
तो उसने ये बोला था कि दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी हुई है। अब जब संतुलन अवस्था में लटकी हुई होती है तो हमें विभवांतर निकालना है। तो आप आराम से कह सकते हो कि जो कार्य है किया गया या संतुलन अवस्था जो है वो बराबर है एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं W बराबर W के। कैसे? देखो यहाँ पर हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। क्या होता है? W अपॉन Q होता है। तो यहाँ पर V की W की जगह पे क्या आ जाएगा, V इंटू Q यानी कि Q इंटू V आ जाएगा। और यहाँ पर W की जगह पे क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा M और G आ जाएगा, और एक H की जगह पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। H की जगह पे क्या आ जाएगा, D। तो देखो सबका यूज़ हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो V बराबर क्या हो जाएगा, M G D और अपॉन में Q हो जाएगा। ठीक है, M G D और अपॉन में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। आ गया समझ में, M G D और अपॉन में Q। अब वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, M की वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13। G की वैल्यू कितनी रखें यहाँ पे हम देख लेते हैं, G की वैल्यू उसने कितनी रखी है, G की वैल्यू 9.8 बोला है। तो 9.8 इंटू 10 टू दी पावर इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, और अपॉन में इसका कूलाम दे देते हैं कितना है, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8। आप जानते हो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इस पॉइंट का नीचे 10 आ जाएगा। अब 24 दूनी 48 होता है ये भी जानते हो आप, ठीक है। तो ये देखो 2 आ गया। अब यहाँ पर 98 का गुणा 2 से कर दो, तो 98 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 एक हासिल, 9 दूनी 18 और एक 19, 196 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 196। अब गुणा, अब कितना बचा यहाँ पर हमारा, 10 टू दी पावर माइनस का 13 माइनस का 2 और नीचे माइनस का 18 और प्लस का 10। तो देखो 10 टू दी पावर माइनस का 13 और 2 कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया, और ये 10 टू दी पावर माइनस का 18 ऊपर गया तो, ये 10 टू दी पावर माइनस का 18 ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 18 हो गया, और ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 196 इंटू 10 टू दी पावर, देखो ये 15 और एक 16 है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का 2 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 टू दी पावर प्लस का 2 हो गया, और आंसर हमारा यही आ रहा है, ठीक है, वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी ही वीडियो के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइज़।